धन्यवाद। ये जो थे अनसिविलाइज्ड लोग, इनसे हम और क्या उम्मीद रख सकते हैं? लेकिन आपको क्या लगता है कि एजुकेटेड लोग इस देश को साफ रखते हैं? Just because you're educated, it doesn't mean you don't value the importance of cleanliness. पानी तो ले लिए होते हैं। सही में। अरे वाह। Thank you.
जहाँ रोड है वहाँ पर मैं वास्तव देती हूँ। अरे मैं रंधा दिखाई देता हूँ, ज्यादा मैं चला जाऊँ। अंकल आपको इतना बड़ा डस्टबिन नहीं दिखाई दिया, मुझे लगा आपको दिखाई नहीं देता है। जाने अनजाने में, जानते हुए भी अनजाने में भी छोटी मोटी गलतियां करके किस प्रकार से अपने वातावरण को, अपने आसपास पड़ोस को और अपने सार्वजनिक स्थान को असुरक्षित और अस्वच्छ बनाते हैं। आज से तुम लोग भी ये जान लो कि अगर कहीं पे गंदगी नहीं साफ कर सकते तो गंदगी नहीं करना है, और जहाँ पे गंदगी है साफ करने में अपना योगदान दीजिए, क्योंकि गंदगी के माध्यम से ही जल जनित रोग, वायु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, आज तमाम प्रकार से बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस टाइप से रोग आते हैं, और ये गंदगी ही जब नहीं रहेगी तो रोगों से ठीक है स्वच्छ होगा भारत, तो स्वच्छ होगा भारत। हमें तो समझ में आ गया, क्या आपको समझ में आया? Whereas in college and school days, we made a lot of projects related to cleanliness and other social issues. This project might get us a good mark, or even anyone. But man, did they make any change in the person who wanted to make this world a better place to live? हम भारत वाले भी कितने कमाल के हैं ना, जब स्वस्थ भारत अभियान चालू हुआ तो बड़े उत्साह के साथ हमने भाग लिया, लेकिन ताजमहल और गंगा जैसी नदी को गंदा करने वाले हम ही जैसे लोग तो है ना। देश की साफ सफाई करना सिर्फ सफाई कर्मचारियों का ही जिम्मेदारी नहीं है, इसमें क्या देश के नागरिकों की कोई भूमिका नहीं है? हमें भी अपने मनोभावों को बदलना होगा। फ्रेंड्स, आस्क योरसेल्फ दैट योर हिपोक्रेटिकल एक्शंस विल नेवर मेक अ चेंज। आइए हम सब एक साथ मिलकर आज शपथ लेते हैं कि भारत को स्वच्छ बनाने में अपना सब योगदान देंगे, और अपने समय को उसमें यूज करके अपने आस पास पड़ोस को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। तो एक बार सब लोग खड़े हो जाइए। वयम दृढ़ संकल्पम करिष्यामि। जय हिंद, जय हिंद।